हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड, जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में स्थित है, वहां से वैकेंसी को निकाला गया है। अब गाइस, यदि रिसेंट समय में हम लोग देखने लगे हैं, ITI की वैकेंसी डेफिनेटली आने लगी है। जैसे कि हम लोगों ने देखा, NPCIL की वैकेंसी निकली, IOCL की वैकेंसी निकली, इंडियन नेवी की वैकेंसी निकली, अभी फिलहाल HAL की सब्सिडरी कंपनी में भी वैकेंसी आ चुकी है। तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वैकेंसियां अगेन जो है हम लोगों को आते हुए दिखाई दे रही हैं। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट्स ITI स्टूडेंट्स हैं, जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, काफी समय से हम लोगों को वैकेंसियां नहीं मिल रही थी, हो सकता है आने वाले समय में हम लोगों को DRDO NCL की वैकेंसी भी देखने को मिले। तो अपनी प्रिपरेशन को जो है डेफिनेटली स्ट्रांग करके रखें, अपने सिलेबस को कंप्लीट करके रखें, जिससे कि एग्जाम आने पर आप लोगों को इमीडिएटली तैयार रहें फुल मेहनत के साथ में। तो हम लोग देख लेते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हो, यदि हम लोग नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड की बात करें तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, ये जो है टोटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने टेक ओवर किया था इसको, एंड ये जो है उसकी सब्सिडरी कंपनी के रूप में फिलहाल काम कर रही है। ये डिफेंस में काफी अच्छा योगदान HAL भी दे रही है इंडिया को, एंड साथ ही साथ में नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड भी दे रही है। अब हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, वहां पर किन पोस्ट की वैकेंसियों को बेसिकली निकाला है, उन चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, यहां पर आप लोग देख सकते हो नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यदि एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें, यहां पर आप लोगों को मिल जाता है, यहां पर कंपनी ने अपने बारे में बताया है बेसिकली, एंड यहां पर आप लोग देखो कि पोस्ट मिल जाती है। तो सबसे पहला पोस्ट है ऑपरेटर फिटर टेन्योर बेसिस पर वैकेंसी, जैसे कि HAL भी निकालती है, वैसे ही सब्सिडरी कंपनी की भी टेन्योर बेसिस पर वैकेंसी है। लेकिन HAL में जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो लास्ट टेन्योर बेसिस वैकेंसी थी, जो सबसे पहले निकली थी, अभी तक भी उन स्टूडेंट्स को बाहर नहीं किया है, वो एम्प्लॉय एज इट इज काम कर रहे हैं, वो अपने टेन्योर को बेसिकली बढ़ाती जाती है। तो कहीं ना कहीं टेन्योर हम लोग मान सकते हैं कि ये बेसिकली जनरली टेन्योर खत्म होने पर बाहर नहीं करती है, वो टेन्योर को फर्दर एक्सटेंड करती है। तो यहां पर यदि हम लोग बात करें तो फिटर ऑपरेटर की जो यहां पर वैकेंसी है, वो लगभग 15 पोस्ट है। यहां पर SC की 3 पोस्ट है, ST की 0 पोस्ट है, OBC की 3 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट है, एंड UR कैटेगरी की यहां पर 8 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें, 2 ईयर रेगुलर फुल टाइम ITI यदि आप लोगों ने किया है तो डेफिनेटली आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन की बात करें, 10 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है, यहां पर भी 2 साल का ITI, यदि NTC आप लोगों का कंप्लीट है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कंप्लीट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, आप लोग यहां पर अप्लाई कर पाओगे। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो यहां पर अगेन इन्होंने सारा कुछ क्लियर किया है। यदि हम लोग देखें तो यहां पर इन्होंने क्लियर किया है, कैंडिडेट विथ पार्ट टाइम या फिर कॉरेस्पोंडेंस हो या डिस्टेंस एजुकेशन हो, ई लर्निंग क्वालिफिकेशन हो, इनको एलिजिबल नहीं किया जाएगा, ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी यदि हम लोग एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने रखी है, 18 से 28 साल, एंड आप लोगों को छूट मिल जाएगी यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यदि आप लोग SC एंड ST कैंडिडेट हो तो यहां पर आप लोगों को 5 ईयर का छूट देखने को मिल जाएगा। यदि आप लोग OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट हो तो 5 ईयर का छूट मिलेगा अपर एज लिमिट में। नेक्स्ट, यदि आप लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हो तो आप लोगों को 10 ईयर का रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाएगा, बाकी अदर कैटेगरी को भी रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। अब यहां पर जो डिसिप्लिन देख सकते हो, फिटर वालों में यहां पर डिसेबिलिटी में OL कैटेगरी वाले अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही साथ फिजिकल रिक्वायरमेंट यहां पर देख सकते हो, इलेक्ट्रीशियन में भी देख सकते हो। तो ये फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पर है। अब थोड़ा सा टेन्योर की बात करें तो बेसिकली यहां पर जो टेन्योर है इन्होंने क्या रखा है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो 3 ईयर के टेन्योर के लिए बेसिकली हम लोग यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं। और यहां पर बोला है कि आप लोग कोई भी परमानेंट वैकेंसी के अगेंस्ट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर रहे, तो आप लोग क्लेम वगैरह नहीं कर सकते यदि आप लोगों को 3 साल के बाद में निकाला जाता है। तो ये चीज इन्होंने क्लियरली मेंशन करी है, साथ ही साथ इन्होंने बाकी चीजें क्लियर करी है कि आप लोगों को शिफ्ट वाइज काम करना पड़ेगा, वो सारी चीजें। यहां पर आप लोगों को पेमेंट वगैरह के बारे में बताया है, जो यहां पर क्लियरली मेंशन किया कि आप लोगों की जो पर मंथली सैलरी होगी 23,200 रुपीस के आसपास होगी, जिसमें आप लोगों का HRA जो है रहेगा, साथ ही साथ इन्होंने PF वगैरह के बारे में बताया, स्पेशल अलाउंस के बारे में बताया, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बताया। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा यदि हम लोग कुछ अदर चीजों के बारे में डिस्कस कर, अब गाइस यदि हम लोग सिलेक्शन मेथड की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आप लोगों को रिटन टेस्ट के लिए बेसिकली कॉल किया जाएगा। यहां पर
क्लियर होना चाहिए जो आप लोगों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एनटीसी सर्टिफिकेट है, यहां पर इन्होंने क्वालिफाइंग परसेंटेज मांगा है। यदि आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 60% या फिर उससे एवा प्रतिशत आप लोगों की आईटीआई में होना चाहिए। यदि आप लोग एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो 50% या 50% से ज्यादा वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ इन्होंने यह भी क्लियर किया है इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद द एवा प्रतिशत ऑफ मार्क्स आर लार्ज इन नंबर, यानी कि काफी ज्यादा कैंडिडेट इस परसेंट से ज्यादा होते हैं तो उस सिचुएशन में ये शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं किस लिए, रिटन टेस्ट के लिए, यानी कि वो परसेंटेज के आधार पर कम स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए शॉर्टलिस्ट किए कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सभी स्टूडेंट्स को जो पेपर देने का मौका दें, ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यदि अप्लाई करते हैं उस सिचुएशन में हम लोग प्रतिशत के आधार पर जो हायर परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स हैं केवल उनको जो है रिटन टेस्ट के लिए कॉल करें। तो यहां पर उस चीज के बारे में बेसिकली उन्होंने क्लियर किया है। उसके अलावा जो आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा वो ओनली उत्तर प्रदेश प्रयागराज में कंडक्ट किया जाएगा, तो इस बात का विशेष फोकस करिएगा। उसके अलावा यहां पर एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया एग्जाम पेपर के बारे में, जो आप लोगों का एग्जाम पेपर होगा वो 2.5 घंटे का होगा, 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड होगा, जहां पर मल्टीपल चॉइसिस क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। पार्ट फर्स्ट में 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि जनरल अवेयरनेस के होंगे, पार्ट सेकंड में आप लोगों के 40 क्वेश्चन होंगे जो इंग्लिश एंड रीजनिंग के होंगे, पार्ट थर्ड जो होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों के डिसिप्लिन यानी कि ट्रेड से रिलेटेड होंगे, एंड यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का 1 मार्क का होगा, एंड यहां पर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होगी। साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज क्लियर करी है कि टोटल डेट आप लोगों की क्लियर करी है। यदि हम लोग नीचे में आप लोगों को दिखा दूं तो ये सबसे अच्छी बात है कि इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो काफी फास्ट बेसिकली होने वाला है, ये इस चीज को बहुत भली भांति तरीके से दर्शा रहा है। यदि हम लोग इंपॉर्टेंट डेट में जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को ये चीज मिल जाएगी। आई थिंक इंपॉर्टेंट डेट कहां गई, तो गाइस यहां पर इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हो सारी चीजें इन्होंने क्लियर करी है। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं वो 17 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट जो होगी 26 अगस्त 2024 होगी। आप लोगों के एडमिट कार्ड 30 अगस्त 2024 से डाउनलोड होना स्टार्ट होंगे। आप लोगों का रिटन टेस्ट 10 सितंबर 2024 से को जो है कंडक्ट किया जाएगा, एंड रिटन टेस्ट का रिजल्ट जो है 12 सितंबर 2024 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सारी चीजें इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर की हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत लेट आप लोगों का होने वाला है। तो गाइस यहां पर हाउ टू अप्लाई की बात करें, यहां पर मेन प्रॉब्लम नजर आ रही है। यदि हम लोग हाउ टू अप्लाई में देखते हो, जैसा कि एचएएल करता है सेम एचएएल की सब्सिडरी ने भी किया है, यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि एक्स अप्रेंटिस वाले जो भी नैनी एयरस्पेस लिमिटेड से एचएएल किए हैं वो लोग यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। उनको रेफरेंस नंबर बेसिकली भेजा गया है तो वो लोग चेक कर सकते हैं, या फिर वो लोग रजिस्टर कर पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट नंबर, अप्रेंटिसशिप नंबर, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से जिन्होंने नैनी एयरस्पेस लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप किया है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है एचएएल के साथ में, या एचएएल की सब्सिडरी कंपनी है, इन्होंने भी सेम थिंग करी है। तो यहां पर ऑल अदर स्टूडेंट्स यानी कि ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स बेसिकली एलिजिबल हैं, लेकिन इन्होंने जो है नैनी एयरस्पेस लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप किया होना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स ने यहां से अप्रेंटिसशिप नहीं किया है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। यहां पर नीचे एक कॉलम में हाउ टू अप्लाई में उन्होंने क्लियर किया है। तो यहां पर तो मेरा मनोबल बेसिकली थोड़ा सा कमजोर हो गया है, बिकॉज अदर स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मौका यहां पर नहीं दे रहे हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने नैनी एयरस्पेस लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप किया है, डेफिनेटली उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके लिए तो कॉम्पिटिशन है ही नहीं है, डायरेक्टली उनको डेफिनेटली थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन है और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाना है, आपस में ही कॉम्पिटिशन है बेसिकली जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है। सो आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। यदि आप आईटीआई स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन की, इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।